दोस्तों हजारीबाग के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं पहुंचा हूं हजारीबाग के स्वर्ण जयंती पार्क में, जो कि हजारीबाग के झील वाले एरिया के जस्ट साथ में ही है। हजारीबाग अगर आप आए हैं तो ये घूमने के लिए एक काफ़ी अच्छी जगह है, जहां पे आप अपने फैमिली बच्चों के साथ आ सकते हैं और काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री के लिए आपको पहले टिकट लेना होगा, पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पे दी गई है, तो अगर आप अपनी गाड़ी से व्हीकल से आते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमने पहले अपनी बाइक यहाँ पे लगाई और उसके बाद टिकट लेने के बाद हम लोग एंट्री करने वाले हैं स्वर्ण जयंती पार्क हजारीबाग में, और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं और भी सारी चीज़ें। तो चलिए पहले यहाँ पे अपने टिकट को चेक करवाते हैं और एंट्री कर लेते हैं। टिकट का जो प्राइस है वो मात्र 10 रुपये का प्राइस है, और जैसे आप पार्क में एंट्री करेंगे तो आपको हरे हरे पेड़ पौधे काफ़ी सारे नज़र आएंगे। काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ पौधों के साथ साथ एक फव्वारा भी लगाया गया है, तो यहाँ पे आप अपने लिए अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे फव्वारे का नज़ारा है। तो इसको एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं पार्क में और देखते हैं, यहाँ पे स्वर्ण जयंती पार्क का नेम लगा हुआ है तो यहाँ पे भी आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो पार्क में अभी का जो टाइम हो रहा है वो लगभग 2 बजे का समय है, और पार्क में छोटे छोटे कैफ़े भी बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आके खाना खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कैफ़े की व्यवस्था मिलती है, जहाँ पे आप अपने लिए आइसक्रीम, छोले भटूरे और भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था मिलती है। तो ये जो एरिया है वो जस्ट झील के पास में ही है, और यहाँ देखिए कि छोटे छोटे यहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं, एनिमल्स बने हुए हैं और भी काफ़ी सारी यहाँ पे छोटे मोटे चीज़ें बनी हुई है। और जस्ट सामने यहाँ पे देखिए, अगर इनका आपको नाम पता है जो सामने खड़े हुए हैं तो कमेंट करके बताएं कि इनको क्या कहा जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो इस तरीके की मूर्तियां भी काफ़ी सारी यहां पे लगी हुई हैं। यहां पे मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूं, तो फैमिली काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए यहां पे काफ़ी सारी एक्टिविटी है, जैसे कि टॉय ट्रेन है, बच्चे टॉय ट्रेन का इंजॉय ले सकते हैं, और भी इसके साथ साथ कई सारी एक्टिविटी यहाँ पर, झूले हैं और भी सारी चीज़ें जो आपको वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे सैटरडे संडे को आइए, छुट्टियों में आइए, अपने बच्चों को लेके आइए, और फुल एंजॉय करने वाले हैं बच्चे यहाँ पे आने के बाद। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा राइड है, और हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे कोलंबस सबसे पहली राइड। 40 रुपये का टिकट है, तो सब ने अपने अपने लिए सबसे पहले टिकट ले ली, और अब हम लोग इंजॉय करने वाले हैं हमारी पहली राइड कोलंबस की। तो इसमें 5 से 6 मिनट तक आपको इसमें राइड दिया जाता है और काफ़ी मज़ा आता है। तो चलिए अपनी जो राइड है उसको एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे दूसरे झूले में एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उसको उस वाले में डर लगता था, तो ये यहाँ पे आ गए हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और इसका भी टिकट मात्र 30 रुपये है, जिसमें बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो इसका भी टिकट लेने के बाद बच्चों ने काफ़ी यहाँ पे मस्ती की, काफ़ी धूम धड़क्का किया। तो अगर आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको यहाँ पर लेके आइए और उनको भी पूरा मस्ती करने दीजिए। देखिए यहाँ पर कितने मस्ती कर रहे हैं बच्चे। तो जब तक बच्चे इधर एंजॉय कर रहे हैं मैं आ गया था झूले के पास। ये झूला काफ़ी टाइम से यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आप हजारीबाग के रहने वाले हैं तो आपको ये झूला याद होगा, स्टार्टिंग से ये झूला ऐसे ही लगा हुआ है और अभी भी ये झूला यहाँ पे इस पार्क में लगा हुआ है दोस्तों। तो ये पूरा पार्क का नज़ारा देखिए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगी हुई है क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। पार्क काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो लगभग 2 घंटा तो आप लोगों को यहाँ पे घूमने में, एंजॉय करने में, झूले झूलने में इतना तो टाइम लग जाएगा। 2-2.5 घंटा आप यहाँ पर आके अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ घूमने के बाद बच्चों का कहना था कि टॉय ट्रेन अब चढ़ना है, टॉय ट्रेन को एंजॉय करना है। तो यहाँ से हम लोग सीधा अब जाने वाले हैं टॉय ट्रेन के पास और वहाँ पे टॉय ट्रेन को एंजॉय करेंगे बच्चे। तो ये देखिए अभी इसमें तो पानी वैसे भरा रहता था लेकिन अभी बिल्कुल खाली हो रखा है ये,
और कुछ टाइम पे यहाँ पे पानी भर दिया जाता है, तो उसके बाद जो नज़ारा होता है वो काफ़ी और शानदार हो जाता है देखने में, फव्वारे जब स्टार्ट होते हैं। तो ये रहा टॉय ट्रेन। तो टॉय ट्रेन का जो किराया है वो लगभग 40 से 50 रुपये रहता है। यहाँ पे अप डाउन करते रहते हैं, जैसे कि अगर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है तो किराया बढ़ा देते हैं, और कम भीड़ रहती तो कम कर देते हैं। अभी किराया हो 35 रुपये है। ये 3 से 4 राउंड यहाँ पे आपको दिलाते हैं और इसमें बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। छोटा सा ट्रेन है और काफ़ी अच्छा ये आकर्षण का केंद्र है इस पार्क का। बीचों बीच इस पार्क में ये टॉय ट्रेन दिया गया है, तो जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो टॉय ट्रेन उनको चढ़ना ज़रूर रहता है। तो यहाँ पे भी बच्चों ने टॉय ट्रेन को इंजॉय किया। और इसके बाद हम लोग अब बाहर निकलेंगे, थोड़ा बहुत और घूमेंगे, उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी हजारीबाग से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस पार्क में घूम चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। तो ये जो शुरू में मैंने आप लोगों को फव्वारे दिखाया था वो दूर से देखिए कितना शानदार लगता है देखने में, और शाम के टाइम पे भी और काफ़ी ये अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये जो पार्क है स्वर्ण जयंती पार्क हजारीबाग की शान है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आने के बाद लगता है। बगल में झील का एरिया है तो काफ़ी अच्छा नेचर का व्यू आपको मिलेगा, और मौसम भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे शाम के टाइम पे रहता है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके जय झारखंड लिख दीजिए।